आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की बौद्धिक क्षमता एवं उनकी कला को निखारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें प्रमुखता से डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, मेहंदी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि थे। इन सभी प्रतियोगिताओं में जो छात्र छात्राएं विजयी रहे उन्हें 16 तारीख को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम का यहाँ पर हम लोगों ने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताओं का आज हमने यहाँ पर समावेश किया है, जिसमें सिंगिंग सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, सिंगिंग डांस, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, ड्रॉइंग मेकिंग, चेस प्रतियोगिता, ऐसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आज हमने यहाँ पर आयोजन किया है। और जो इसमें विजयी प्राप्त करेंगे प्रत्याशी, उनको 16 तारीख को हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। श्री चित्रगुप्त मंदिर न्यास द्वारा हाल ही में जिले से स्थानांतरित किए गए एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर एवं टीआई विवेक अस्थाना को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। जाटपुरा स्थित श्री चित्रगुप्त भवन में आयोजित किए गए विदाई समारोह में दोनों पुलिस अधिकारियों को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में न्यास अध्यक्ष श्री जगदीश श्रीवास्तव ने दोनों अधिकारियों को कार्यकाल को गौरवपूर्ण बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी श्री नूरुल हसन नूर के साथ भारी संख्या में कायस्थ जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनीष श्रीवास्तव एवं सुरेंद्र अस्थाना ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। इतना अटूट संबंध रहा है, मेरे ख्याल से मेरे 28 वर्ष के सेवा काल में इससे पहले मेरे को कहीं इतना ज्यादा, हालांकि सब जगह इसलिए तो सब जगह मिला, लेकिन यहाँ पर मेरे हृदय में रहेगा। और इस अवधि के दौरान मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही करी है, वरिष्ठ अधिकारियों को हमेशा हमेशा मेरे जो अधिकारी रहे, एसपी साहब लोग रहे, चार एसपी रहे, इस कार्यकाल के दौरान सभी का मेरे को बराबर भरपूर मार्गदर्शन मिलता रहा, मेरे अधीनस्थों का भरपूर मेरे को सहयोग मिलता रहा, यहाँ की मीडिया का बराबर मेरे को सहयोग मिलता रहा। इस कारण से जो भी मैंने सफलताएं अर्जित करी है, ये सब उन्हीं लोगों के मेरे पीछे हमेशा डटकर पड़े रहे, उसकी वजह से करी है। कोशिश यही रही है कि मेरे किसी तरह की गलती नहीं हो, लेकिन जो पुलिस की नौकरी है बहुत प्रेसिजन आरंभ से बताए वाले साहब उपस्थित मातृशक्ति
और मीडिया के साथी पास्टर से कहता है क्लियर कह रहे थे कि पता ही नहीं लगा तीन चार साल कैसे निकल गए, कहीं साथी से उसकी मीटिंग हो रही थी तो चल जाके बड़ी अस्थिर सुनने को मिलते थे और आप सबका इतना स्नेह मिला इसका आप लोग वास्तव में कह नहीं सकते उसको, वो बातों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पंकज से और दीवारों साहब से हर मीटिंग में मुलाकात होती थी, अभी भी कोई भी पीसी होती थी, ये मंदिर अच्छे मंदिर का निर्माण होना है मंदिर हमेशा बताता रहता था, लेकिन हमारा समाचार विभाग के नाम में पहले कई बार नहीं आ पाया, ये कार्यक्रम नहीं आ पाया, तो निश्चित रूप से आपका जो समाज है इतना प्रबुद्ध और इतने अच्छे लोग हैं कि वास्तव में अच्छे ही अच्छे काम करते हो, सभी समाज के लिए ऐसे हो जाए तो मुझे लगता है बहुत खुशी की चीज़ें हैं, शादी भी बहुत अच्छी समझ में आई यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हमें तो आप लोगों का सहयोग ही मिलता रहा है, हम लोग कभी आपके काम साइड ही जा पाए मुझे नहीं लगता है, आप लोग हमेशा हम लोगों के लिए तत्पर रहे और हम लोगों की थोड़ी तारीफ की आप लोगों ने, वास्तव में हमें लगता है कई बार हम लोग की तारीफ है भी नहीं, और निश्चित रूप से मैं अपनी थोड़ी तो डिबेट की जरूर कहूँगा, थाना प्रभारी का जो बड़ा टिपिकल होता है एडिशनल एस पी को तो क्या है एस पी साहब ने प्रशस्ति पत्र सुधीर जी ने कहा है, श्रीमती नम्रता विकास श्रीवास्तव जी को मैं भारतीय जनता पार्टी ने शिवपुरी गुना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया। इस बैठक में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रभात झा ने की। हालांकि इस कार्यक्रम में बहुत ही कम कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रभात झा ने यहाँ खुलकर कांग्रेस के ऊपर तंज कस के कहा कि कार्यकर्ताओं को मजबूती से आगामी चुनाव के लिए तैयार और मुस्तैद रहना है। इस मौके पर प्रभात झा ने सभी को किस तरह से कार्य करना है उसके लिए उदाहरण देकर समझाया। ये भी कहा कि जो चुनाव जीत जाते हैं उन्हें ही क्षेत्र में घूमना है, बल्कि जो हार जाते हैं उन्हें भी अपने क्षेत्र में घूमते रहना है। शिकायत का ये अर्थ नहीं कि पार्टी को दबा, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उनका बलिदान 2124 वोट से बने, लेकिन जितने लोगों ने वोट दिया 70-68 हजार लोगों ने उनने क्या गुनाह किया, तो उनने उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। अब हारने के बाद मैं देखता हूँ विधायक होता ही नहीं, वो हारा होगा पराजित आते हैं, जो भैया जीतने भाई जो जीता वो नहीं उठता है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण बताए, प्रधानमंत्री जी इतने टिप्स देते हैं, इतने टिप्स देते हैं, अब जैसे कल आज एक भाषण हुआ था 13 तारीख है ना, आज भाषण किसने भी सुना आप लगे होगी आने के उस भाषण को टीवी पर से और उसको जितना आज उन्होंने बताया कि देश का अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सच्चाई क्या है, साकार करना है। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त करो हो गया आंदोलन, तो मैं तो गांधी जी की बात मानता हूँ, आपने नहीं मानी, मैं मान रहा हूँ कांग्रेस समाप्त करना। अनुसूचित जाति के मंत्री कभी किसी कैबिनेट में नहीं, इससे ज्यादा महिला नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में कभी इतनी महिलाएं मंत्रिमंडल में नहीं रही, इससे ज्यादा युवा 40 साल से 35 साल के नौजवान किसी केंद्रीय मंत्री में नहीं थे। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 नाबालिग बच्चे गंभीर, एक की मौत। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर पुरापोसर में चल रही है भागवत कथा। वहीं लोदा लोदी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आगामी 18 तारीख को होना था, इसी के चलते कुछ नाबालिग बच्चे वहां पर झंडे लगा रहे थे। इसी दौरान लोहे की नसेनी वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से जा टकराई, जिसके चलते 7 बच्चे गंभीर तरीके से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। घायलों में से 2 बच्चों को रेफर भी किया गया है। घायलों का हाल जानने के लिए बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया SDM दिनेश चंद्र शुक्ला अस्पताल पहुंचे। लिख रहा उस पर, लिख रहा फोटो पे, लिख रहा आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ।
क्या कर रहे थे बेटा? टाई की झंडी लगा रहे थे आप? सम्मेलन के कैसे क्या होगा बेटा? ठीक है, क्या नाम है आपका? तारों की वजह से बच्चे, सात बच्चे बच्चे और जिसमें से तीन बच्चे और दो गंभीर अवस्था, प्रशासनिक रूप से जो भी मदद होती है उसकी तहसीलदार सब लोग मौके पर आ गए हैं। जो बच्चे गंभीर हालत में हैं उनको हमने परिवार वालों से बात की है कि उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए बाहर रेफर किया जाए और उसके लिए ये लोग तैयार भी हैं, तो कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और भोपाल हॉस्पिटल होगा तो मैं स्वयं जाकर वहाँ व्यवस्था कराऊँ। और जो बच्चे की मृत्यु हुई है बहुत ही दुखद हुआ है और परिवार वालों को मैं सभी मामले सर इनके लिए कोई राशि है? ये चूँकि तीसरे तरीके का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए सरकारी मुआवजा तो नहीं है इसका, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपनी उच्च अनुदान से कुछ दे सकें। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी और माननीय सांसद महाराज सिंधिया जी हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। ठीक है सर। तो जो भी हुआ होगा प्रशासन बैठा है, लेकिन हमारे यहाँ पर सात मरीज आए हैं जिसमें से एक की डेथ हो गई और छः मरीजों का इलाज चल रहा है। छः मरीज में से दो मरीज गंभीर हैं। कुल कितने बच्चे थे सर? छः बच्चे थे सर। कहाँ का मामला है? पाँच है, प्रपोसर। प्रपोसर का इसमें आगे क्या कदम उठाया जा रहा है? ये एक मरीज का उसका पोस्टमार्टम होगा और एक जो सीरियस है उसको रेफर करने की सोच रहे हैं, अगर वो और पाँच का इलाज चले इधर ही हो जाएगा। पाँच का इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो रहा है, चल ही रहा है इलाज। बताएं आज क्या रखा हुआ? बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे सब डिवीजन के गांव पूरा पुलिसर में हुई है। बिजली का तार बताया कि गया है, जांच में आया है कि हाई टेंशन वायर में घोड़ी खड़ी कर दी थी बच्चों ने, जिसकी वजह से कहीं करंट का आवेश आया उसमें, और सात बच्चे घायल हुए थे, छः का इलाज यहाँ चल रहा है। एक हाँ, ये विचार करेंगे चूँकि उनकी गलती प्रथम दृष्टया लग रही है, फिर भी देखते हैं प्रावधान होंगे क्या। कलेक्टर साहब आज अभी दौरे में, जैसे ही लौटने चर्चा।
मुआवजे का कोई प्रावधान है? मैंने बताया जैसे आपको पहले ही बताया कि अभी लौट कर आएंगे क्लिप साहब से चर्चा करेंगे फिर इसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। इससे गलती किसकी मानी जाएगी? जांच के उपरांत अभी जांच की जा रही है, अभी कुछ कहना बहुत अकली है। सैन समाज गुना ने संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की 718वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई, साथ ही एक चल समारोह भी निकाला जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शास्त्री पार्क आकर समाप्त हुआ। ये चल समारोह हनुमान चौराहा, हाट रोड, सदर बाजार, जस्तम चौराहा होते हुए शास्त्री पार्क पहुंचा। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। पंचमृतम अयानीतम पयोदनी घटम मधु शंकरा समायुक्तम पंचमृतम प्रतिदाम समर्पयामि नमो नमः मुक्षमि नमो नमः करीसे भारतीय सैन समाज जिला गुना एवं समस्त सैन समाज गुना द्वारा सैन महाराज जी के 718वीं जयंती के पावन अवसर पर गुना नगर के विभिन्न मुख्य मार्ग से चल समारोह माता बहनों एवं सैन बंधुओं के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सैन जयंती पर्व, जिसमें आराध्य देव सैन जी महाराज बग्गी पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी सैन बंधुओं ने आनंद के साथ सैन जी महाराज के जन्म उत्सव का पावन पर्व मनाया। कार्यक्रम का समापन शास्त्री पार्क हमारे स्थल पर किया गया, जिसमें सभी सैन बंधुओं ने अपने अपने सैन जी महाराज के कर्म भूमि के बारे में, कर्म स्थल के बारे में, उनकी कर्तव्य प्राणता के बारे में अपने विचार की व्यक्त किए। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा आज किया गया धरना प्रदर्शन। कर्मचारी संघ की मांग है कि 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। अध्यक्ष रमेश शर्मा जी को बनाया गया था, जो अभी कर्मचारी कल्याण के प्रांत अध्यक्ष हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा पुनः 2016 को लिपिक वर्गीय पंचायत बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं वह जायज है और उन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक ना तो जो समिति गठित की गई उस समिति की अनुशंसा मानी गई और न ही इनकी मांगे। अब जाकर अलग अलग लिपिक संगठन एक होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना अपना साधना को धरना स्थल पर एकत्रित करना है तो बुलाएं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, ताकि हम मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, नगरपालिका कर्मचारी संघ, छह संगठनों द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2015 में महापंचायत वन बुलाई गई थी पल्लव भवन गेट के सामने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्ष जिसकी रमेश चंद शर्मा जी को बनाया गया था, जो कि कर्मचारी कल्याण के प्रांत अध्यक्ष हैं। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 28/11/2016 को पुनः लिपिक महापंचायत 2 बुलाई गई। उस महापंचायत में जो समिति गठित की गई थी, उस समिति के द्वारा सभी संवर्ग की 28 अनुशंसाएँ की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी उक्त अनुशंसाओं को जायज मानते हुए 2 महीने के समय दिया कि 2 माह में आपकी अनुशंसाओं के आदेश जारी हो जाएंगे। इसके पश्चात जब हमारी अनुशंसाओं के आदेश जारी नहीं हुए तो हमारे पदाधिकारियों ने पुनः आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके पश्चात जब आंदोलन की रणनीति तैयार हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम हाउस पर हमारे पदाधिकारी प्रांतीय पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनको आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आपके जो अनुशंसाएँ हैं उनकी आदेश जारी हो जाएंगे। जब इसके पश्चात भी नहीं हुआ तो
प्रदेश स्तर पर 6 संगठनों को मिलाकर ये संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जिसमें 6 संगठन सम्मिलित हैं, जिसमें हमारे लघु वेतन कर्मचारी संघ की मांग है कि उनको प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त किया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि उनकी सर्विस की जो समय सीमा है, जो अभी 60 वर्ष है, उसको 64 वर्ष किया जाए, उनका पदनाम बदलकर सहायक कार्यालय सहायक किया जाए। हमारे जो साथी रिटायर हो चुके पेंशनर जो हो गए, उनके संबंध में भी एक हमने मांग रखी है कि उनका जो एरियर और जो डीए जो समय समय पर शासन बढ़ाती है, उसका भी भुगतान उनको किया जाए। और हमारी लिपिक संवर्ग की जो महत्वपूर्ण मांग है वेतन विसंगति की, वो इतनी महत्वपूर्ण मांग है कि इसके लिए इस शासन के कम 2 दर्जन मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि आपकी जायज़ मांग है और इस मांग कि हम सीएम साहब से जाके चर्चा करेंगे। जिस जिले में भी इनके मंत्री मुख्यमंत्री अध्यक्ष जाते हैं, हमारे साथियों द्वारा ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी शासन द्वारा हमारी इस महत्वपूर्ण मांग का विसंगति का की उपेक्षा की जा रही है। इससे उपेक्षित होकर हमारे संवर्ग ने उन्हें यह निर्णय लिया है और 2 दिन का सामूहिक अवकाश गुना जिले से लेके और ग्रामीण क्षेत्र तक का हमारा लिपिक साथी जो है, सारे लिपिक साथी सामूहिक अवकाश में सम्मिलित हैं। प्रांतीय स्तर पर हमारा पुनः एक कार्यक्रम बनाया, यदि इसके बाद भी शासन हमारी इन मांगों की उपेक्षा करता है तो 17 तारीख को लिपिक रथ निकाला जाएगा और जो पूरे प्रदेश में घूमेगा और सारे लिपिकों को बताएगा। इसके पश्चात भी यदि शासन हमारी मांग नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन का कॉल किया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति के गुना आने की खबर लगते ही नगरपालिका ने शुरू किया शहर चमकाने का काम। सूत्रों की माने तो महामहिम राष्ट्रपति 26 या 27 अप्रैल को गुना आ सकते हैं। जैसे ही ये खबर लगी तो नगरपालिका ने शहर की साफ सफाई शुरू करवा दी। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है कि राष्ट्रपति गुना आएंगे या नहीं। पुलिस प्रशासन यह दावा करता है कि कहीं भी जुआ नहीं चल रहा। वहीं दूसरी ओर जुए के पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक हुआ घायल। म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम गजनाई में चल रहा था जुआ। वहीं म्याना थाना क्षेत्र के 10 में से 15 लोग खेल रहे थे जुआ। पैसे के लेन देन को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ था, जिसमें फरियादी चोटिल हुआ। फरियादी ने लूट की बात कहकर दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके चलते जिले की पुलिस तुरंत चौकन्नी हो गई। मौके पर जाकर फरियादी की झूठी 2 लाख की रिपोर्ट की कहानी का भी पर्दाफाश किया गया, जिसका म्याना थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीजीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।